की वैल्यू लिखी, माइनस वन टू टू वन, ये ए आ गया है, इसमें जमा कर देना है वन 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 को, देखें ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आगे ये आंसर शुरू हो गया। अब यहां मैं इनको सॉल्व करता हूं, कैसे सॉल्व करना है, ये माइनस वन है, प्लस करेंगे इसको वन के साथ, मैंने लिखा माइनस वन प्लस वन, यानी जो रिस्पेक्टिव और इसके मुतलका अराकीन है उनके साथ ही जमा करना है। तो ये देखें, ये हमारे पास पहली रो का पहला कॉलम का जो डिजिट था वो मैंने लिखा इधर भी और इधर भी। अब ये पहली रो है, दूसरा कॉलम है, ये पहली रो दूसरा कॉलम, यहां भी पहली रो और दूसरा कॉलम ही लेना है, ये नहीं करना कि इस दो को आप पता नहीं यहां जमा कर दें उसको वहां जमा कर दें, ऐसे नहीं करना। हो बा बात समझ गए। अब इसको लें और इसको लें, रिस्पेक्टिव लेने हैं टू प्लस वन, फिर इसको लें वन प्लस वन, देखें ये कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस वन टू टू वन, माइनस वन टू टू वन, और आगे ये वन 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 वन, ये बिल्कुल जैसे थे वैसे ही लिखे हैं मैंने, सॉल्व कर दे। अब प्लस वन माइनस वन आपको पता है जीरो होता है, अब प्लस टू प्लस थ्री सॉरी प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री होता है, और टू प्लस वन आपको पता थ्री ही होता है, वन प्लस वन क्या होता है टू होता है जी। तो ये हमने जमा करके इसका जवाब निकाल लिया, जीरो थ्री 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 टू, ये हमारा सोल्यूशन आ गया पहले क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा पार्ट, उसमें क्या कहा गया हमें, उसने कहा गया कि जी आप बी को प्लस कर देंगे इस मैट्रिक्स में, और ये मैट्रिक्स है माइनस टू एंड थ्री, तो डेफिनेटली हमें स्टार्ट कर देना जी बी की वैल्यू, यहां अगर हो सके तो लिख भी लें आप बी दर्ज करने से। अब बी की वैल्यू नहीं लिख सकते ना आप, वो बी तो एक मैट्रिक्स है और बी ये है हमारे पास वन माइनस वन, तो बी मैट्रिक्स दर्ज करने से। अब यहां बी क्या आएगा, ये वन माइनस वन आना है, ये देखें आगे प्लस करना है इसको मैंने किसमें, माइनस टू और थ्री में, ओके। अच्छा अब यहां आपको जो मैथड बताया गया है कि हमने ये वन अपनी जगह पर रखना है, आगे प्लस लिखना है, और ये माइनस टू है आगे, देखें इस तरह से लिखें इसको। अब जब ये माइनस टू आ गया तो यहां तो दोनों साइंस आपस में ये देखें ना क्लैश कर रहे हैं, तो मैं क्या क्लैश खत्म करूंगा इनका, मैं यहां ब्रैकेट डाल दूंगा, दिस इज द मेथड। अब माइनस वन है और प्लस थ्री है, ये बड़े गौर से समझना आपने, क्योंकि अगर ये आपको साइंस के रूल समझ में आ जाते हैं तो आपके लिए सारी एक्सरसाइज आसान हो जाएगी, अदरवाइज ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत मुश्किल होगी और आपको समझ नहीं आनी कि मैंने प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। तो मैंने क्या कहा कि वन तो आ गया प्लस भी आ गया, अब आ गई माइनस टू है तो माइनस भी माइनस टू लिखना है, लेकिन दोनों जो साइंस हैं ये आपस में क्लैश कर रहे थे, तो मैंने क्या डाल दी ब्रैकेट डाल दी दरमियान में, इसमें कोई क्लैश नहीं है, ये वैसे मैंने लिख दिया। अब आपको पता है कि हमने इस नीचे वाले को कैसे हल करना है, जमा तीन माइनस एक, ये जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी 1.2 है उसमें मैंने आपको ये साइंस का जो सारा समझाया है उसको आप एक दफा रिवाइज करना चाहिए कर लें, तो फिर इसको आप सॉल्व करें। वैसे आपको पता होगा कि माइनस वन है और प्लस थ्री है तो इसका जवाब क्या आना है जी, अलामतें उलट हैं, अदाद को तफरीक करेंगे टू, और अलामत कौन सी लगनी है जो हमेशा बड़े के साथ होती है, तो प्लस टू आना है इसका, ठीक। लेकिन ये ऊपर क्या होना है, ये ब्रैकेट जो मैंने डाल दी है ये क्या है, क्या करेंगे इसका, आए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहां गाइड कर दूं। एक्चुअली ये साइंस के कुछ रूल्स होते हैं जो मैं यहां पे आपको लिख के देने लगा हूं और आपने ये अच्छी तरह समझ लेने हैं। एक्चुअली ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है और इनटू का मतलब जरब होता है। इस वक्त ये अलामतें दोनों आपस में जरब खा रही हैं, जमा जरब तफरीक आ गया ये, तो ये बात याद रखें, अगर जमा जरब खाए जमा के साथ तो जवाब हमेशा जमा आना है, अगर जमा जरब खाए तफरीक के साथ तो जवाब तफरीक आना है, अगर तफरीक जरब खाए तफरीक के साथ तब ही जवाब जमा आना है, या तफरीक जरब खाए जमा के साथ तो जवाब तफरीक आना है, चार ही केस हो सकते हैं और कोई केस नहीं है जी। जमा जरब जमा बराबर जमा,
जमा जरब माइनस बराबर माइनस, माइनस जरब माइनस बराबर जमा, और माइनस जरब जमा बराबर माइनस। ये चार रूल हैं, इनको आपने याद रखना है। अब इस रूल को मैं अप्लाई कर रहा हूं, यहां कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? जमा जरब माइनस वाला, जमा जरब माइनस माइनस जवाब आना है। तो मैंने यहां पे लिखा वन माइनस टू, और नीचे मैंने अगर सॉल्व करना है तो कर लें, नहीं तो ऐसे ही स्टेप को भी आप चलने दें। ओके, अब इसका जवाब आ रहा है जी। अब आपने सॉल्व करना है। देखिए, जो हमारे पास अलामतों के रूल्स हैं, अलामतों से मुराद ये जो साइंस हैं, इन साइंस के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक चलना है। ये दो रूल्स हैं, या तो अलामत अलामत से जरब खाती है या वो आपस में हल होती है। ये भी जरब खा रहे थे, अब ये हल होंगे, करें हल। आपको पता है ये जमा एक है, ये माइनस दो है, तो वो लास्ट लेक्चर आपको याद है। मैं चले आपको दोबारा यहां लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैंने आपको लिख के दिया था, लिखाया था कि अगर जमा सात है और माइनस चार है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फिर जमा सात जमा चार को सॉल्व कैसे करेंगे? फिर माइनस सात जमा चार को सॉल्व कैसे करेंगे? माइनस सात माइनस चार को सॉल्व कैसे करेंगे? ये मैंने आपको लिखवाए थे, याद है, और समझाया था कि अगर हमारी अलामतें उलट होंगी तो हम इन्हें तफरीक कर लेते हैं, यहां भी तफरीक होगा, यहां भी तफरीक होगा। अगर अलामतें एक जैसी होंगी तो इन्हें हम जमा कर लेंगे, यहां भी जमा होगा, यहां भी जमा होगा। और अलामत आ रही कौन सी है? जो बड़े के साथ है। तो यहां बड़े के साथ जमा है, यहां बड़े के साथ माइनस है, यहां बड़े के साथ जमा है, यहां बड़े के साथ माइनस है। तो ये अलामतें मैंने आपको पहले करवा दी है लास्ट लेक्चर में, ये भी आप रिपीट करें दोबारा, इनको समझे। तो अब आए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए अलामतें उलट हैं, यानी मुखालफ हैं। जमा एक है, माइनस दो है, तो अदा तफरीक होंगे, तो डेफिनेटली यहां एक आना है, दो में से एक गया तो एक आया ना। जो बड़े के साथ अलामत है वो लगाए माइनस एक। अब यहां वही रूल, अलामतें उलट है तो तीन में से एक गया बाकी दो, तो बड़े के साथ कौन सी अलामत है? जमा की, तो माइनस एक और दो, ये हमारे पास इसका जवाब आता है। ये बी को जब हमने सॉल्व किया तो माइनस एक और दो हमारे पास जवाब आ गया। तीसरे जुज में हमें लिखा गया यहाँ पे सी, इसमें प्लस करना है। आगे मेरे पास ये मैट्रिक्स है माइनस टू वन एंड थ्री, इसको मैंने सॉल्व करना है। जैसे आपको पता है अब क्या करना, मैंने कि सी इज इक्वल टू वन माइनस वन एंड टू, ये मैट्रिक्स है, और इसको दर्ज करने से तो लिख लेते हैं। यहां इक्वल लिखा मैंने, अब सी की वैल्यू यहां दर्ज करें। ये सी की वैल्यू है जी वन माइनस वन एंड टू, और यहां पे जमा करेंगे इसको माइनस टू वन एंड थ्री में। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है ये वन लगना है यहां पे, उसके बाद ये प्लस आना है, फिर ये माइनस टू आना है। तो गौर करें, ये आपस में अलामत हुआ, क्लैश हुआ, तो मैंने क्या डालना है? ब्रैकेट। फिर ये माइनस वन है, फिर ये आगे प्लस है, फिर ये वन है, फिर ये टू है, फिर प्लस है, फिर थ्री है। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स बना। तो देखे ना, वन था मैंने वन लिखा, ये प्लस था मैंने प्लस लिखा, आगे माइनस टू है तो मैंने डेफिनेटली माइनस टू लिखना है। लेकिन अलामत हुआ, क्लैश हो गया, तो फिर मैंने क्या करना है? फिर मैंने इनको आपस में ब्रैकेट के साथ अलग कर देना है। तो ये माइनस वन था, प्लस वन हो गया, और टू था, प्लस थ्री हो गया। सॉल्व करते हैं। आपको मैंने लास्ट पेज पे अलामतों के जो मल्टीप्लीकेशन के रूल है वो सिखाए थे। तो जमा जरा माइनस माइनस होता है, तो वन माइनस टू कर दिया, अब प्लस वन माइनस वन जीरो होगा, और थ्री प्लस टू फाइव होगा। अब यहां अप्लाई करें हमारा जो रूल, आपको याद है मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, बताए हुए हैं कि जमा एक है और माइनस दो है, क्या करेंगे? अलामते उलट हैं, ये तफरीक होंगे, दो में से एक गया बाकी एक बच गया, और अलामत बड़े के साथ माइनस की है तो माइनस एक आएगा, जीरो आएगा, पांच आएगा। ये हमारे पास तीसरी जुज का आंसर आ गया, माइनस वन जीरो एंड फाइव। चलें जुज नंबर आगे स्टार्ट करते हैं फोर वाली। जुज फोर में क्या है,